तपस्या से हम प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए तब मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारी आराधना और अनुराग ने हमें जीत लिया है अंजनी। हमारी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ अवश्य मांगो। भगवान, आप स्वयं अंतर्यामी हैं, आपसे मैं क्या कहूँ मेरी मनोकामना। हम जानते हैं तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, ये हमारा वरदान। Thank you.
Thank you.
ये क्या हुआ मेरे लाल को? इंद्र के वज्र से। प्रणाम ब्रह्मदेव। आज तीनों लोगों के सर्जनहार पृथ्वी पर पधारे। हाँ, पवन कुमार को जीवन दान देने। सूर्य देव को अपने मुंह से बाहर निकालो। अंधेरे में त्रह त्रह करते हुए जगत को प्रकाश में लाओ। सूर्य देव, मैंने तो आकाश का फल तुमने से खा लिया था। वो फल नहीं, जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानो बेटा। इसके बदले में ब्रह्मा जी मुझे क्या देंगे? मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं जीत सकता। से तुम्हारी ये दशा हुई, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा शरीर वज्र के समान होगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। कौन? अग्निदेव। तीनों लोक को फिर से प्रकाश देने वाले पवन कुमार, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई जला नहीं सकता। समाधि को भंग किया। नहीं, बंगर वो अपने बल के घमंड में ऋषि मुनियों की साधना में विघ्न डाल रहा है, इसलिए मैं शाप देता हूँ आज से तो अपने बल को भूल जाए। ऋषिराज ठहरिए। कौन हो? मैं पवन, और जिसे आपने श्राप दिया वो मेरा पुत्र पवन कुमार। ऋषिराज और मेरे पुत्र को श्राप से मुक्त कर दीजिए। दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता पवन देव, लेकिन ये फिर से बलशाली तभी होगा जब राम की सहायता के लिए कोई इसके पराक्रम का गुणगान करेगा। ऋषिराज, तो आप राम को जानते हैं? राम,
राम को कौन नहीं? मैं नहीं जानता, बताइए ना कौन है? तो सुन, जो तुझे प्रथम बार हनुमान कहकर पुकारे उसे ही तो राम समझना। उन्हें पाने के लिए सच्ची भावना और पवित्र हृदय चाहिए बेटा। हो जाने पर भी मैं इस अद्भुत राम को न पा सका। राम, राम, राम। सब जगह तो ढूंढ लिया, अब केवल जल में ढूंढना बाकी।
मुझे पवन कुमार भारती कहते हैं। किसे ढूंढ रहे हो? राम को। राम तुम जिसकी लोक में गए हैं, पापियों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी का भार उतारने। और क्या? मुझे ऐसा मालूम होता है कि राम कृपा से तुम मेरा उद्धार करने आए हो। किंतु तुम हो कौन? मैं मत्स्य कन्या हूँ। मत्स्य कन्या? पवन कुमार, सभी कहते हैं बेटा। जिसका जाप कर रही हो उस राम को देखा है तुमने कभी? देखा तो नहीं, लेकिन देखने के लिए ही जी रही हूँ। तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि राम के नाम का कोई प्राणी है ही नहीं। मैंने उसे सब जगह ढूंढा परंतु वो कहीं नहीं मिला। पगले, राम को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने को ढूंढ कर तो राम नाम की धुन में लीन हो जाए। राम स्वयं तुझे ढूंढते हैं। जिसको कभी देखा नहीं उसके नाम की धुन ये नहीं हो सकता। राम को देखे बिना उनका नाम जपना यही तो भक्ति है। ठहरो। नहीं, कुछ फल फूल लेकर मुझे अब आश्रम में पहुंचना चाहिए। तुम इन फल फूलों तक नहीं पहुंच सकती तो अपने राम से कहो ना, इन्हें तुम्हारे पास पहुंचा दें। राम सब कुछ कर सकते हैं बेटा। तो अपने राम को बुला लो ना, मैं भी तो देखूं तुम्हारे जप का चमत्कार से। जब तक मैं नहीं जानूं, मैं नहीं जानूं कलियों में राम मेरा, सजनों में राम है। कलियों में राम मेरा, सजनों में राम है। धरती का जन में मेरे प्रभु जी का धाम है। कहाँ नहीं राम है, कलियों में राम मेरा, सजनों में राम है। धरती का जन में मेरे प्रभु जी का धाम है। कहाँ नहीं राम है। प्रभु जी से धूप छाया, प्रभु जी की चांदनी लहरों के बिना में है। प्रभु की धूप छाया, प्रभु की चांदनी लहरों के बिना में है। प्रभु की रागनी, कहाँ नहीं लिखा मेरे जफर का नाम है। कहाँ नहीं लिखा मेरे जफर का नाम है। धरती के जन में मेरे प्रभु जी का धाम है। कहाँ नहीं राम है। वही फूल फूल में है, वही पास पास में रहता है राम मेरा सब गीत साथ में। वही फूल फूल में है, वही पास पास में रहता है राम मेरा
को नहीं पालूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राम राम तुम मुझे किसने पुकारा? किसने पुकारा मुझे? सीते तुमने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया लक्ष्मण? नैया क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भैया, तुम्हारी इतनी झूठी झूठी यहाँ आई थी, तुमसे बिहार कर मैंने उसे तुम्हारे पास किया। मैंने भी उसका समझा कर वापस समझा। हाँ, तुम्हारे होते हुए इन वनवासियों ने मेरा ये सुना किया है लड़के। पति अभी तक पहचाना नहीं बनता। लेकिन रावण की बहन की बेइज्जती करने वाला गर्व से सीना तान तक सुनता रहे, ये तो लोक हो जाए रावण की शान पर धब्बा, कलंक है। मैंने निश्चय कर लिया है, अयोध्या पूरी पर लंका पति की विजय बताता फहराएगी। राम ने रावण को नहीं मौत को निमंत्रण दिया है। फिर भी मेरे हृदय में भक्ति हुई अपमान की ज्वाला शांत न हुई। बनवास जब तक लंका की महारानी न बने तब तक ये सोने की लंका
सीता, भरे स्वयंवर में मेरी हंसी उड़ाने वाली सीता। हाँ, वही सीता। जब वो लंका पति रानी बनेगी तभी मेरे बदले की ज्वाला शांत होगी। स्वामी, बदले की ज्वाला शांत होगी जब लंका में युद्ध की ज्वाला भड़क उठेगी। मंदोदरी, लंकेश अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता है। इसीलिए तो आपको ये समझाना व्यर्थ है कि पर स्त्री का हरण महान अधर्म है। धर्म और अधर्म की व्याख्या मैं नहीं सुनना चाहता। वचन के अपमान का बदला अवश्य लिया जाए। अपमान के बदले में लंका की शान को कलंकित मत करो लंकेश। लंका की शान भलाई करो भलाई। और तू कौन है? मैं काम। मेरे बिना संसार का कोई काम नहीं चल सकता। मैं तुझे सीता दिलाऊंगा रावण। सीता, मेरी बात मानो। नहीं रावण, 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 सुंदर मृग है। प्रभु, मुझे उसकी मृगशाला चाहिए। कंचुकी बनाऊंगी। किसी के सुंदर शरीर को नष्ट करके अपना श्रृंगार सजाना क्या जनक नंदिनी को शोभा देगा? शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है, ये मुझे अच्छा लगता है। प्रभु, संसार में क्या सबको मनचाही वस्तु मिल सकती है? आराम चाहे तो सब कुछ मिल सकता है।
और राम अगर न चाहे तो? राम क्या सीता को नहीं चाहते? मेरी इतनी बात भी नहीं मानोगे कृष्ण? सीता जैसी सयानी सन्नारी भी जब होनी के वश होकर हट कर सकती है क्या? अच्छा जनक नंदिनी, लक्ष्मण आ गया प्रभु। सीता की रक्षा करना और जब तक मैं लौट कर ना आऊं पर्ण कुटी के बाहर पांव न रखना। जैसी आज्ञा। घबराइए नहीं देवी, जिनके इशारे पर ब्रह्मांड डोल उठता है उन पर शंकर संभव है। लक्ष्मण तुम शीघ्र उनके सहायता के लिए जाओ। श्री राम की आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण का परम धर्म है और आपकी रक्षा करना पवित्र कर्तव्य है। इस पवित्र कर्तव्य के पीछे कहीं तुम्हारा स्वार्थ? मैं उस नहीं सुन सकता माता, किंतु याद रखो राम के बाद सीता के प्राण न होंगे। उससे पहले लक्ष्मण के प्राण न होंगे। प्राणों की नहीं, तुम्हारे भाई को तुम्हारी सहायता की जरूरत है। मैं तुम्हें राम की सौगंध। बस बस माता, ये लक्ष्मण रेखा है, जब तक आप इस रेखा के अंदर रहेंगी संसार का कोई अमंगल आपको छू नहीं सकता। प्रणाम महाराज। अखंड सौभाग्यवती भाव। साधु भूखा है। भूखों को भोजन मिलेगा महाराज, ठहरिए। लीजिए महाराज। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। ठहरी, राम के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। लीजिए। रावण के हाथ से निकल भागना असंभव है जनक दुलारी। भैया लक्ष्मण तुम यहाँ, और जानकी तो अकेली छोड़ के चले आए। आपकी पुकार सुनी थी भैया। मेरी पुकार? हाँ, मैंने तो यही पुकारा था लक्ष्मण। अवश्य कोई संकट आने वाला है, आओ मेरे साथ। सीता नहीं है लक्ष्मण। भैया सीता तुम कहाँ हो?
का नाम लिखा है, अब मेरे राम अवश्य मिल जाएंगे। राम के अपमान का बदला यह है राम की सीता। अब राम के बदले रावण का नाम जपो जनक नंदिनी। तुम अयोध्या की नहीं लंका की राजरानी बनोगी, तुम्हारा भाग चमक उठेगा। लेकिन लंका का भाग निस्तेज हो जाएगा लंकेश, समय रहते राम से क्षमा। ऐसा दुष्कर्म करते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए। लंकापति से इस तरह बोलने की हिम्मत? लंकापति की पत्नी करेगी है। मंदोदरी, क्या तुम भी मुझे उपदेश देने आई हो? नहीं स्वामी, उपदेश नहीं, विनती करती हूँ जानकी राम को सौंप दीजिए। नहीं तो लंका का विनाश निश्चय है। अक्षय कुमार के बाहुबल को जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? इसलिए कि तुम रामबाण की शक्ति को नहीं जानते बेटा। माँ, इंद्रजीत के बाणों के कंकार से तीनों लोग खड़ा उठता है। अरे कुंभकर्ण अकेला ही राम को कच्ची ककड़ी की तरह चबा जाएगा यदि उस समय नींद न आ जाए। ठीक है, तुम्हारी एक ना राम के विनाश को निमंत्रण दे सकती है और एक हाँ राम को क्षमा कर सकती है। निश्चय कर लो तुम्हें राम चाहिए या रावण। अशोक वाटिका में ले जाओ। Thank you.
मुझको मिलाओ चांद सिया से मुझको मिलाओ मेरी प्राण कहाँ हो तुम के तुम बिन अब न रहा जाए मेरी प्राण कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम सीता का हरण करने वाले राक्षस ने राक्षस सीता का हरण हाँ प्रभु वह सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है और राक्षस दक्षिण दिशा की ओर
आदि वही है अंत कन कन मेरा युग जाएंगे युग आएंगे अमर रहेगा प्रभु का नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम मेरे नैनों की नगरिया में राम है मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम मेरे नैनों की नगरिया में राम है मेरे मन में है राम मेरे तन में है राम कहा था कि जब श्री रामचंद्र तुम्हें अपने बाण से मारेंगे उस समय तुम कवन से अपने असली रूप में आ जाओगे आज आपने मेरा उद्धार कर दिया अब आशीर्वाद दीजिए प्रभु जानता हूँ जी तरह उत्तर दे नहीं तो ये बाण तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा वनवासी मैं मेरा नहीं मेरे राम का अपमान किया है इसका बदला बस करो पवन सुत हनुमान बस करो मैंने तुम्हारा पराक्रम देख लिया तुझे प्रथम बार हनुमान कहकर पुकारे उसे ही तो राम समझना आपने मुझे हनुमान कहा यही ना राम के सिवा हनुमान को और कौन हनुमान कहकर पुकारे राम युग युग से जिन्हें मेरी प्यासी आंखें ढूंढ रही थी वो राम श्री राम मेरा जीवन धन्य हो गया आपने मुझे कैसे पहचाना प्रभु जो बालपन में ही विशाल गगन को भेद कर सूर्य को मुंह में दबा कर रख सकता है जो सुरपति इंद्र के भयानक वज्र प्रहार को अपनी धनु से रोक सकता है वह महावीर हनुमान नहीं तो और कौन होगा
किंतु प्रभु आप यहाँ? माता जानकी को हम खोज रहे हैं हनुमान। कोई राक्षस अपनी माया फैलाकर उन्हें उठा ले गया है। प्रभु एक दिन आकाश से मेरे सामने ये कंगन गिरा, देखा तो कोई राक्षस एक स्त्री को पकड़े ले जा रहा था। वो सीता थी हनुमान, जनक नंदिनी सीता। हम उसी की खोज में बनबन भी कर रहे। अब भटकना नहीं पड़ेगा प्रभु। चलिए यहाँ के वानरराज सुग्रीव से मैं आपकी भेंट कराए देता हूँ। वो सीता मैया को खोजने में अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आइए मेरे कंधों पर बैठ जाइए। ये महान प्रतापी बनवासी कौन है पवन कुमार? ये है मेरे इष्टदेव श्री राम। राम और ये है लक्ष्मण। अब मेरी आशा पूर्ण होने के दिन आन पहुंचे। मेरे भाई वाले ने मेरा राज्य छीन कर मुझे इस पर्वत पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हम दोनों की दशा एक थी। तुम्हारा राज्य गया है, मेरी राज्य लक्ष्मी। आपकी गई हुई राज लक्ष्मी आपको अवश्य वापस मिलेगी। मेरा एक एक वानर आकाश पृथ्वी और पाताल तक को छान डालेगा। किंतु रुक क्यों गए वानर राज? आप तो अंतर यामी है। मैं बालिका वध करूंगा। वो महाबलवान है। तो श्री राम प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु यदि आप यहाँ के सात ताल वृक्षों को एक ही बांध से गिरा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर सकेंगे। ऐसा ही होगा। तो मैं भी सीता जी को खोजने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ये रहे वो सातों ताल के वृक्ष जिन्हें एक बांध से गिरा देने वाला ही बाली को मार सकता है। हाँ प्रभु मेरी शंका दूर कीजिए। जाओ सुप्री, ये विजय मार्ग तुम्हारी रक्षा करे। जय श्री राम।
तो वे मुझे नहीं मारा, मैं किसी और के भाव से मारा हूं। ये किसका लाश? ये रामवान। श्री राम है बनराज। ये छुप छुप कर मारना राम के पुत्र का सौदा है। पापियों को किसी प्रकार भी दंड देना युद्ध नीति। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके घोर पाप किया, इसीलिए मैंने तुम्हारा वचन। पिताजी, ये आपको क्या हुआ पिताजी? सुग्रीव को मुझसे पर्चे नहीं। आज्ञा पिताजी। वाली राज, तुम्हारी इच्छा हो तो श्री राम प्रभु तुम्हें फिर से जीवन दान दे सकते। नहीं हे स्वामी, मेरी नैया के थी भैया, सासों के स्वामी मेरी नैया के थी भैया, नैया के खिवैया कन कन में है राम, कन कन में है राम, त्रिभुवन में है राम, नील नभ की अटरिया में राम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम। जहाँ कहीं देखूं वहीं राम की है माया, जहाँ कहीं देखूं वहीं राम की है माया, सब ही के साथ श्री राम जी की छाया, सब ही के साथ श्री राम जी की छाया, राम जी की छाया सुमिरन में है राम, सुमिरन में है राम, दर्शन में है राम, मेरे मन की मुरलिया में राम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे नैनों की नजरिया में राम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पवन सीताराम, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पवन सीताराम। पवन पुत्र, अब दिन नहीं रात है, जिसकी आंखों में राम की मूर्ति समा गई हो उसके लिए दिन और रात में कोई भेद नहीं लगेगा, किंतु रात विश्राम के लिए होती है। राम नाम से बढ़कर और विश्राम कहाँ? तुम्हारी राम नाम धुन राम को सोने नहीं देती पवन पुत्र। तो फिर मैं मन में ही राम नाम जप लिया करूँ? मन में उन्हें याद करोगे तो भी उन्हें नींद नहीं आएगी। तो क्या राम को रात के समय कोई याद नहीं करता? करता होगा कोई, किंतु यहाँ तो सभी भूल गए हैं। तुम्हारा वानर राज सुग्रीव तो कभी भूल कर भी याद नहीं करता, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। Thank you.
सुग्रीव, सिकंदरा का राज्य मिलते ही अपना दिया हुआ वचन भूल गए। तुम्हारे लिए ये बड़ी लज्जा की बात है। ये मत भूलो सुग्रीव, जो बाण वाली को मार सकता है वही तुम्हारे इस राज्य को भी भूल में मिला सकता है। क्षमा कीजिए लक्ष्मण जी, मैं स्वयं ही लज्जित हूँ। अब सीता मैया को ढूंढने में जरा भी देर नहीं होगी। चलिए प्रभु राम के पास चलिए। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। वानर राज सुग्रीव, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और भूल सुधारना मनुष्य का धर्म। प्रभु, आज ये सारे वानर दशा दिशा में सीता मैया को ढूंढने निकल पड़े। धन्य हो सुग्रीव राज। आप दर्शन दिशा की ओर हमारे पवन पुत्र हनुमान निकलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वे सीता मैया के समाचार अवश्य लाएंगे। परंतु प्रभु, माता सीता को कैसे विश्वास होगा कि मैं आपका दूत हूं? ये मुद्रिका ले जाओ हनुमान। जय श्री राम। सीता मैया का पता तो चल गया, किंतु 100 योजन विशाल सागर लांग कर उनकी खबर कौन लाएगा? बोलो गैस, तुम जा सकते हो। मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। क्या सोच रही हूँ? सोच रहा हूँ सागर के पास कौन जाएगा। तुम जाओगे हनुमान, तुम अपनी सोई हुई शक्ति के साथ। जागो महावीर, जागो। राम कार्य के लिए जागो। जागो, जागो हे बजरंग बली, अब सोच ही सोच में दिन ना गुजारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। तुमसा कोई दुनिया में न दूजा, वीर करे सब तेरी ही पूजा। तुमसा कोई दुनिया में न दूजा, वीर करे सब तेरी ही पूजा। हम तो न भूले महिमा तुम्हारी, तुम भी नहीं लिप शक्ति विचारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। Thank you.
जो जब जन्म लिया था, याद करो जब जन्म लिया था, सूरज मुख में बंद किया था। ओ याद करो जब जन्म लिया था, सूरज मुख में बंद किया था। हाहाकार मचा जग में था, छाया था अंबर में अंधियारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। खड़ी सारी वानर सेना, सागर कोई भी लांग सके ना। तीर खड़ी सारी वानर सेना, सागर कोई भी लांग सके ना। एक भरोसा तुम्हारा ही मारुति, नाम ना हो बदनाम हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। करो मत व्योम बिहारी, देर करो मत व्योम बिहारी। ओ देख रहे सब राह तुम्हारी, देर करो मत व्योम बिहारी, देर करो मत व्योम बिहारी। एक छलांग लगाओ महाबली, जाकर रावण को ललकारो। एक छलांग लगाओ महाबली, जाकर रावण को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी हनुमान की जय। जय श्री राम। आज मैं तुझे खाकर ही अपनी क्षुधा शांत करूं। तुम्हें आगे जाने का मार्ग मिलेगा। पराक्रम का परिचय मुझे मिल गया। मेरा नाम सुरसा है। जाओ पवन पुत्र, तुम्हें राम के कार्य में सफलता मिली, ये मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम। पर्वतराज मेनाक अगर देव, कहिए कैसे कष्ट किया। आज आपके उद्धार का समय आ गया है। वो कैसे,
पवन पुत्र आकाश मार्ग से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाकर उनका स्वागत करिए। रोकने नहीं आया हूं पवन पुत्र, अपने चरण स्पर्श से मेरा उद्धार कीजिए। काँप रही है, रावण से ब्रह्मांड कांपता है। फिर ये कौन है जो रावण की धरती को कपा रहा है? कौन जाने, लेकिन हमें सावधान हो जाना चाहिए ना, ये लक्षण शुभ नहीं। शुभ अशुभ लक्षणों से रावण नहीं डरता मंदोदरी, लंका की सत्ता का फिर कभी अर्थ नहीं होगा। चलती रहोगी जनक नंदिनी, जब तक श्री राम के दर्शन न होंगे उस वनवासी को भूल जाओ। सीते, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे चरणों में निछावर करने के लिए तैयार हूँ। केवल एक बार मेरी ओर मुस्कुराकर देखो जनक नंदिनी। तुमने कभी कुमुदिनी के प्रकाश से कुमुदिनी को खिलते हुए देखा है? सीते, मोती चढ़ने वाली मिट्टी को तुमने कभी कंकर फूटते हुए देखा है? ठीक है, ये न भूलो कि तुम तीनों लोग के विजेता रावण से बात कर रही हो। पराई स्त्री को चोरों की तरह उठा लाने वाला कायर तो तीनों लोग का विजेता नहीं विदा है, जो शेर के दस से चुप रहा है। रावण का यह अपमान, आज मैं अपनी इच्छा पूरी करके ही रहूंगा। देखता हूँ तुझे कौन बताता है। नलकुजे, हाँ, तुम्हें मैं अपना अभिशाप याद दिलाने आया हूँ। यदि तुमने किसी सती की इज्जत से खेलने की कोशिश की तो तुम्हारे सर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। 60 टुकड़े।
सात टुकड़े। ठीक है, तुम्हें एक महीने का समय देता हूँ। यदि उसके बाद भी तूने मेरी बात न मानी तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहाँ हो तुम? तुम्हारा नाम कलंकित हो रहा है, और तुम मेरे दुख का अंत नहीं कर सकती तो आज के लक्ष्य तुम का इच्छा भी घात कर दो। मैं अंगीकार हूँ तुम में से कोई अंगारा बन कर आ जाओ और इस दुखशाली के जीवन का अंत कर दो। कोई नहीं आता, किसी को मेरी दशा पर दया नहीं आती। नहीं माता, कौन है? मैं हूँ हनुमान, श्री राम का दूत। श्री राम का दूत एक बंदर? ये मित्र का उसका प्रमाण है माता। भी कुशल से हैं और मेरे स्वामी को कभी इस तरह की याद है। सारा संसार श्री राम का नाम जपता है और वे आपका नाम जपते हैं। फिर अब तक उन्होंने मेरी खबर क्यों नहीं? आप यहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम। मैं कैसे आ पहुंची? पता लगाते लगाते। फिर अब उनकी दर्शन कब होंगे? थोड़े दिन और धीरे जपते। मेरे यहाँ से जाते ही श्री राम सेना सहित लंका पर चढ़ाई करते हैं। सेना में सभी बंदर? हाँ माँ। तो मेरा खुद करना पड़ता है। क्यों? यहाँ का एक एक राक्षस तुम्हारे जैसे सैकड़ों बंदर को अपने बगल में बुला। राम भक्त हनुमान को भी देख ली। जय श्री राम। बड़ी भूख लगी, अगर आज्ञा हो तो जाओ। चारों तरफ मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, आप आशीर्वाद। जय श्री राम। कुमार, अच्छा, जाओ और उस बंदर को पकड़ के ले आओ।
तेरा राम तो क्या, तीनों लोगों की कोई भी शक्ति तुझे इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकती। बंधन और राम भक्त को जय श्री राम। देखा दशानंद, ये राम नाम का पता मायावी बंधन। जंगली राजकुमार का नाम मत ले। जंगली तो तुम हो राक्षस राज, जो अपने मेहमान को आसन तक नहीं देते। आसन? आसन बराबर वालों को दिया जाता है। सच कहा रावण, हमारी और तुम्हारी बराबरी कैसे हो सकती? मुझे अपना आसन स्वयं बनाना पड़ेगा। पति के सामने तुम ऊंचे आसन पर बैठने की हिम्मत करता है। इस
का प्रताप है रावण। रोज तो ऐसा आता है कि तेरे इन राक्षसों को चीची की तरह मत सोच। वनवासी कहने वाले तेरे मुंह को तोड़कर माता जानकी को लेकर बंदा तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली। राजनीति के विरुद्ध है। वनवासी का भेजा हुआ बंदर राजन बंदर को अपनी पूछ चाहिए होती है पिताजी, इसलिए गिरा दी जा रही। ये दुर्दशा महावीर, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। उपकार? ये तो संयोग की बात है श्रीदेव। मैं इस संयोग को धार्मिक महत्व देना चाहता हूँ हनुमान। कैसा महत्व? जिस पर मेरी दृष्टि लग जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है, लेकिन जो तुम पर तेल और संदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी क्षण दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अच्छा शनिदेव, अभी मुझे आधा नगर और जलाना है। लेकिन हनुमान, सोने की लंका आग में जलने से अधिक चमकने लगी है, वो देखो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो मेरी शनि दृष्टि का प्रभाव, सोने की लंका काली पड़ गई। तो फिर शनिदेव कृपा करके अपनी दृष्टि लंका पर ही रखिए, मैं चला। जय श्री राम। बहुत शीघ्र सब दुखों का अंत हो जाएगा। जाने से पहले अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे कि श्री राम प्रभु को भी संतोष हो। एक महीने के बाद वो मुझे जीवित ना पाएंगे।
उससे पहले आपको श्री राम प्रभु के दर्शन होंगे। प्रणाम मां। प्रभु, सीता का पता लगा? लंका की अशोक वाटिका में राम नाम के सहारे सीता मैया जी रही। मेघ मुद्रिका वो तो माता सीता के पास है और उन्होंने आपके लिए ये चूड़ामणि। पवन कुमार, तूने इस चूड़ामणि में सीता के दर्शन करा दिए। बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? इन चरणों की सेवा के सिवा और मुझे क्या चाहिए प्रभु? अब विलंब नहीं करना चाहिए, लंका के लिए कूच करने की आज्ञा। लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। आज से हम सबका लक्ष्य है हुआ। पत्थर डूब गया प्रभु, किंतु तुम्हारा छोड़ा हुआ पत्थर राम के सहारे तैर रहा है। भगवान, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की जय। बोलो सियावर राम की जय। बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की जय। बोलो सियावर राम की जय। बोलो सियावर राम की। अक्षर का जादू है न्यारा, भव सागर से तारन हारा। प्रभु जब अपना केवन हारा, फिर है कितनी दूर किनारा। मेरे राम रखते हैं खबरिया, पल छिन चारों धाम की जय। बोलो सियावर राम की जय। सियावर राम की। पानी में तैरे पत्थर की नैया, नैया है राम की भैया। सागर से अब क्या डरना है भैया, साथी है जब राम रमैया। साथी है जब राम रमैया। बादल दल सी निकली है टोली, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सियावर राम की जय। बोलो सियावर राम की। Thank you.
मन का राम नाम का गूंजे गडंका राम नाम का गूंजे गडंका राम नाम का गूंजे गडंका वर्षों के पिछड़े फिर से मिलेंगे रामचंद्र और जानकी जय बोलो सियावर राम की जय बोलो सियावर राम की सबसे निराली महिमा है भाई दो अक्षर के नाम की जय बोलो सियावर अक्षय कुमार को मार डाला सोने की लंका जलाकर खाक कर दी उसे आप मनुष्य मत समझिए श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं मंदोदरी भैया भगवान श्री राम से द्रोह करने वाले की रक्षा तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता विभीषण तुम भी उपदेश देने आए हो उपदेश नहीं मंत्री के नाते आपको सलाह देने आया कैसी सलाह आप श्री राम के शरण जाइए वे दया के सागर सब कुछ भुलाकर आपको हृदय से लगा लेंगे प्रजा और हम सबकी इसी में भलाई है लंकेश राम 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 मेरा नमक खाकर उस वनवासी की प्रशंसा करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती निकल जा मेरी नजरों के सामने से बिना काले विपरीत बुद्धि विभीषण आप यहाँ हाँ हनुमान भगवान राम के चरणों की सेवा करनी प्रभु कौन हो तुम रावण के छोटे भाई विभीषण है प्रभु हाँ प्रभु आपकी शरण आया हूँ मेरी शरण आओ विभीषण जय श्री राम कौन है तू मैं हूँ कृपा सागर श्री राम का दूत दूत हाँ तुझे अपने पिता बाली का मित्र जानकर समझाने आया हूँ राहुल अगर अपना भला चाहता है तो माता जानकी को लौटा दे नहीं तो क्या होगा तेरा और तेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा चुप रहो मालूम होता है तू राम को नहीं जानता जानता हूँ मैं उस रावण को जानता हूँ जिसको सास बहु ने अपनी भुजाओं में लपेट लिया था उस रावण को जानता हूँ जिसको पाताल के राजा बल ने अपना अश्वपाल बनाया था और मैं उस रावण को भी जानता हूँ जिसको मेरे स्वर्गवासी पिता बाली ने 6 मास तक अपनी बगल में दबा रखा था बोल इनमें से तू कौन सा रावण है मूर्ख मैं वो रावण हूँ जिसके अष्ट हाथ से 10 दिशाएं कांपती है मैं वो रावण हूँ जिसने पराई स्त्री को चुराकर अपनी वीरता का परिचय दिया है हीरो मालूम होता है इस दूत की मृत्यु हमारे हाथों लिखी है पकड़ लो इसे पटक दो जमीन पर राम के भक्त को जमीन पर पटकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है रावण जय श्री राम मैंने जमीन पर पैर देखा है अगर तुम लोगों में से कोई इसे हटा देगा तो श्री राम माता जानकी को हार कर लौट जाएंगे Thank you.
मामूली बंदर का पैर नहीं उठा सकते। उठो, निकल जाओ, जाओ। मेघनाथ अब जाकर आराम करो। कैलाश पर्वत उठाने वाले रावण के सामने ये पैर, मेरा पैर पकड़ने से कुछ नहीं हुआ रावण, पैर पकड़ बस राम का तेरा मोक्ष हो जाएगा। मेघनाथ, मैं तेरी पत्नी सुलोचना को विधवा बनाना नहीं चाहता। यदि अपना भला चाहता है तो रावण से लेकर श्री राम की शरण में आ जा। लक्ष्मण, सुलोचना विधवा नहीं होगी, लेकिन आज राम तेरी लाश पर हाथ अवश्य बहाएगा। क्या सोच रही है वैद्यराज? बोलिए, एक बार तो बोलिए कि लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, बोलिए। केवल एक उपाय है प्रभु। शीघ्र कहिए वैद्यराज, प्राण देकर भी भाई को बचा सका तो अपना वो भाग्य समझूंगा। धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी होती उसी से लक्ष्मण को जीवन दान मिल सकता है, किंतु किंतु क्या? सूर्योदय से पहले बूटी आ जानी चाहिए, वरना उसका प्रभाव जाता रहेगा। धवलागिरी पर्वत, संजीवनी बूटी, सूर्योदय से पहले कौन लाएगा? मैं जाऊंगा प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। हनुमान, आपका ये सेवक रात समाप्त होने के पहले ही संजीवनी बूटी लेकर आएगा। रात में चमकने वाली वही एक बूटी, जितने बिजली सी चमक हो उसे ही लाना। जो आज्ञा वैद्यराज। सभी जड़ी बूटियां चमक रही हैं। हाँ, कदाचित ये होगी।
ये तो बुझ गई। मैंने कहा है संजीवनी, चले जाता हूँ। वैद्यराज स्वयं संजीवनी ढूंढ लेंगे। मैंने तुम्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा था और तुम सारा पहाड़ उठा लाए। मैं तो एक मामूली बंदर हूँ वैद्यराज, जड़ी बूटी क्या पहचाने। अब तो सारा पहाड़ ही आपके सामने है, स्वयं पहचान लीजिए। शीघ्रता कीजिए वैद्यराज। मारा गया, मैं मेघनाथ की मृत्यु का बदला लूंगा और अवश्य लूंगा। आज्ञा महाराज। तुम कर्ण को जगाओ। घर कर रहा है और पकड़ पकड़ कर खा रहा है। मारने वाले वो बल्ला जी कहाँ है?
आज मैं उनका उनका कहीं चल लूंगा। राम भैया कहाँ है तेरा राम, कहाँ है तेरा स्वामी? कहीं मेरे आने का समाचार सुनकर भाग तो नहीं गया? नहीं रावण, क्षत्रिय प्राणों की बाजी लगा देते हैं लेकिन युद्ध के मैदान से भागा नहीं करते। प्रणाम। प्रणाम, सूर्यवंशी होकर शत्रु प्रणाम करता है? यदि प्राणों का ऐसा ही मोह था तो रावण से पैर क्यों किया? प्राणों के मोह से नहीं, मैंने तुमको ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है रावण, लेकिन देखता हूँ आने वाली मृत्यु ने तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है। देखना है सूर्यवंशी का पराक्रम, चलाओ बाण। अच्छा तो फिर समझ जा। मारेंगे इसमें ही सर पैदा होंगे। रावण की नाभि में अमृत, आप उसकी नाभि में बाण मारेंगे तब उसकी मृत्यु होगी। जानते हैं ना रावण वेद शास्त्र का ज्ञाता और एक महान राजनीतिक, अभी तक उसके प्राण बाकी, तुम जाओ और उसकी राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। पंडित से प्रणाम। कौन? लक्ष्मण। मुझसे राजनीति की शिक्षा लेने आए? राम से पढ़ कर नीति और कौन दे सकता है? फिर भी उन्होंने तो मुझे सम्मान दिया। राजा की चार गुण होती है लक्ष्मण, समय के अनुसार इन गुणों को जो व्यवहार में लाता है वही सबसे बड़ा राजनीति है। वो शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना।
मंत्री स्वैत रसोईया पहरेदार पड़ोसी और भाई से कभी दूर कर की बैर नहीं करना चाहिए। घर का खेती रंग का ढाई हनुमान को वे हमसे अलग नहीं होने जा रहे हैं। पीछे इससे क्या होता है आर्य पुत्र, आपका हमारा पुनर्मिलन ये राज्यभिषेक हनुमान के ही परिश्रम का फल है, ये अवश्य कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें कुछ दे दो पीछे मेरे अहोभाग हनुमान माता अपने उपकारों का बदला न समझना। मांगो तुम्हें क्या चाहिए माता? संकोच की कोई बात नहीं, मांगो। मुझे श्री राम चाहिए। श्री राम? हाँ माता। तुमने मुझे लज्जित कर दिया हनुमान, आर्य पुत्र को देना मेरे बस की बात नहीं, फिर भी इसे उपहार स्वरूप स्वीकार करो। हनुमान उपहार के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार आपत्तिजनक है। माता जानकी का अपमान है। माता जानकी का अपमान श्री राम का अपमान है। ये दरबार की मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादा तोड़ने के लिए हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। इनकी भक्ति से वह मजुस्या पति को भी मान है। इस व्यवहार का कुछ कारण होगा, कोई रहस्य होगा। हनुमान तुम इन मंत्रों में क्या देख रहे थे? मैं इनमें श्री राम को देख रहा था। मंत्रों में श्री राम को देख रहे थे? अरे भाई सवा हनुमान भला मंत्रों में श्री राम कैसे मिल सकते हैं? जिस चीज में श्री राम नहीं वो हनुमान के लिए व्यर्थ। फिर तो तुम्हारा शरीर भी व्यर्थ है हनुमान। क्यों? तो उसके अंदर श्री राम है, इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? हनुमान तुम्हारी भक्ति की कसौटी है, प्रमाण तुम्हें दिखाना ही होगा, नहीं तो वचन दो इन मंत्रों की तरह तुम अपने शरीर को भी लौट कर फेंक दोगे। भरी सभा में राम भक्त की होती आज हसाई, भक्त डरे क्यों दुनिया से जब राम है इसके सहाई। महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार। जब जब सुनते करुण पुकार आते पर करुणाधार राम की महिमा अपरंपार। बालपने में विश्वामित्र के साथ चले रघुराई, एक तीर से मार गिराया जब ही ताड़काई। रखवाले पन
गए कृपालु यज्ञ भूमि के द्वार राम की महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार पत्थर बनकर पड़ी अहिल्या शाकुपति का पाया दीन बंधु ने चरण धूल से उसका शाप मिटाया सती अहिल्या को भगवान ने पल में दिया उबार राम की महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार जब हुआ सीता स्वयंवर दूर से आए धनुर्धर हार कर बैठे सभी शिव के धनुष को छोड़ के अकड़ में लंकेश आया धनुष उससे उठ न पाया राम ने तब रख दिया पल में धनुष को तोड़ के मगन हो गई मिथिला नगरी हुई सुमन बौछार राम की महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार भोली भाली छबरी ने चक चक कर बेर जुटाए बेर प्रेम के बेर बेर श्री रामचंद्र ने खाए भोले भगवान भेद भाव का करते कहाँ विचार राम की महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार राम की महिमा अपरंपार भक्तों के रखवाले भगवान मेरी आन निभाओ भक्तों के रखवाले भगवान मेरी आन निभाओ मन मंदिर के स्वामी मेरे मन में दर्श दिखाओ मन में दर्श दिखाओ जय 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 श्री राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राम